नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रानियत जाने वाले लोगों को अब नगर में जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिरसा नगर में रहने वाले लोग और यातायात जाम से वाहन चालकों को निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि उन्हीं की घोषणा पर अमल करते हुए PWD B&R ने घग्गर बांध के ऊपर से डबावली रोड से रानिया रोड पर बाईपास का निर्माण कर वाहन चालकों को राहत प्रदान की है, क्योंकि रानिया रोड की ओर से डबावली जाने वाले लोगों को अब और उन वाहनों को अब नगर के बीचों बीच से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वाहन करीबन आधा घंटा तक जाम में फंसे रहते थे। रानिया की ओर से आने वाले और डबावली की ओर से आने वाले दोनों ही तरफ के वाहनों को अब नगर के बीचों बीच से होकर गुजरना नहीं होगा। अगर हम बात करें पहले की, तो नगर के बीच से वाहन ले जाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। रानिया रोड से दो रास्ते होते थे, एक रानिया बाजार से होते हुए तो दूसरा वाल्मीकि चौक से होते हुए। दोनों ही रास्ते ऐसे हैं जहां पर हर समय जाम लगा रहता है। परशुराम चौक से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक तक तथा दूसरी ओर सर्कुलर रोड पर हर समय जाम ही रहता था, और वहां पर स्वाभाविक भी है कि अब भी जाम रहता है। इस जाम के लिए कहीं ना कहीं नगर परिषद भी जिम्मेदार है, और उनकी ही शह पर सड़क पर रेहड़ी लगाई जाती है, और इसी कारण वाहन चालकों को आधा घंटा तक सड़कों पर खड़ा रहना पड़ता था। अगर कोई वाहन भूलकर सीजन के समय में वाहन लेकर अगर अंदर आ गया तो जनता भवन रोड पर यह चला गया, तो डबावली रोड तक पहुंचना उसके लिए किसी महाभारत से कम नहीं था। शहर के लोगों ने इसी समाधान के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष ये मांग उठाई, और आखिरकार CM ने 20 जुलाई 2015 को रानिया रोड बाईपास निर्माण की घोषणा भी कर दी, जिसके बाद 16.80 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण का जिम्मा PWD B&R को सौंपा गया, जिसका टेंडर सेसा की मेमर्स गर्ल्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। इस मार्ग की कुल लागत 19,73,98,000 रुपये रखी गई। इस मार्ग का निर्माण कार्य 11 जनवरी 2018 से शुरू हुआ और 10 जुलाई 2019 तक पूरा भी हो गया। रानिया बाईपास के निर्माण में लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। एक और जहां समय की बचत हुई है, तो वही पेट्रोल और डीजल खर्च में भी काफ़ी कमी आई। इसके अलावा इमरजेंसी यानी आपात स्थिति में इस बाईपास से आसानी से रास्ता तय किया जाता है। नगर में अधिकतर अस्पताल डबावली रोड पर ही हैं। फायर ब्रिगेड के वाहन भी इसी रास्ते से रानिया की ओर जल्द ही पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, हिसार की ओर से रानिया जाने वाले वाहन डबावली बाईपास से होते हुए रानिया बाईपास तक पहुंचकर सीधे रानिया की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे वाहनों को नगर में आने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और इससे वाहन चालकों को समय की भी बचत होती है। लोगों ने इस बाईपास के निर्माण को लेकर के सरकार का आभार भी व्यक्त किया। आइए देखते हैं इस बाईपास की कुछ विशेष झलकियां। हाँ जी, क्या नाम आपका? सोनाराम। सोनाराम जी, ये जो रोड बनी है घग्गर के दूसरी ओर, इसका जमींदारों को कोई फायदा है? है जी। क्या फायदा है? सबको, जिसका आगे आगे जैसे जैसे आगे खेत है जाने में आसानी है। ठीक है, सबको फायदा है। अच्छा, ये रोड वैसे प्रतिदिन चलता कितना है? बहुत चलता है जी। अच्छा, तो जैसे घग्गर के अंदर पानी आता है, कल का फ्लड आ जाता है, तो गांव आपका कौन सा गांव है? यही है, मीरपुर। अच्छा, मीरपुर को कोई फ़ायदा इससे हुआ है फ्लड के मामले में? नहीं, फ़ायदा ही है जी, रोड बन गया, मजबूती हो गई। अच्छा, ये बांध का काम भी करेगी ना, क्योंकि काफ़ी ऊंची है। हाँ, काफ़ी इसकी भर्ती हुई है, बाहर से लोग आते हैं, डबवाली से, पंजाब से, जो भी है इधर, रानिया, जीवन नगर, जो भी है, इधर जाने के लिए बहुत आसानी है सबको। और बीच बीच में जो गांव आते हैं वहाँ जाने के लिए भी सबको आसानी है जी। ठीक है जी, घग्गर का जो पानी है जो इधर आएगा उसके लिए भी ये काम करेगा, सड़क काफ़ी मजबूत बनी है, तो सब कुछ, ये सबको फायदा है इसका। अच्छा, ट्रैफिक पर कुछ कंट्रोल हुआ है इससे? नहीं जी, ट्रैफिक बहुत चलता है, रात भर, रात को 10-11 बजे तक चलते रहता है जी। जी हाँ जी।